ओके, क्या बात है, यहाँ पे लॉकडाउन के बाद तो एक नई नई मतलब नई नई स्टोरी बन रही है यहाँ पे, और वो स्टोरी क्या है खुद ही बता के, मैं तो नहीं बताने वाला हूँ। तो राजश्री, राजश्री, अरे कोविड के बाद कुछ तो चाहिए था ना। अफवाहें तो नहीं उड़ रही आजकल, अफवाहें भी बहुत उड़ने लगी है मार्केट में। क्या पहले उड़ी थी? पहले उड़ी थी, हाँ पहले अफवाहें उड़ी थी कि हम दोनों बहुत खास, शायद उसी अफवाह ने कहीं ना कहीं हमारे इस बंद दिमाग पर जोर डाला और उस अफवाह को। हाँ, तो अभी क्या अफवाह नहीं है ना, कंफर्म है ना? हाँ, अब तो लग रहा है कि कंफर्म ही, अब तो कंफर्म, अब तो बकरा फंस गया है हलाल होने के लिए। तो डेट वगैरह कुछ फिक्स बताएंगे, डेट क्या है हलाल होने की? देखिए, एक मिनट, डेट बताने से पहले मैं एक बात बता दूँ, पैंडेमिक चल रहा है तो जितने कम से कम लोग हमने बुलाए हैं, तो जो भी ये देख रहे हैं बुरा ना माने, क्यों, क्योंकि मजबूरी है, सरकार ने मना किया है। वैसे डेट है 20th of November। अब मेरे ख्याल से 10 या 12 दिन ही बचे हैं। हाँ, 11 दिन बचे हैं, खिला पिला के, मतलब यहाँ पे भी लड़कों डेट पता किस दिन कटने वाला है, 11 दिन बचे हुए। जिसकी जान जाने वाली होती है ना, उसको भी पता होता है कि उसका दुख उसका दर्द क्या होता है। ये तो देखो मुस्कुरा रही है, ये तो इसके लिए पता है क्योंकि ये देखो आप, तैयारियां अभी बहुत सारी बाकी है ना। हां, बाकी इनकी हमेशा बाकी रहेंगी। हां, बाकी तो रहेंगी। हां ओके, लेकिन तैयारी बात की जाए, रिहर्सल हो रहा है डांस के, भाई ये शादी मतलब बहुत ही डिफरेंट होने वाली है एकदम। ऐसा कुछ रिहर्सल, ये एक आपको मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल पता है क्या हो रहा है, बता दो पहले। इसके साथ रोमांस करना है अब, मतलब जो हमें पहले से जानते हैं या फिर मैं भी पर्सनली, मुझसे वो हो नहीं रहा है। इसकी शक्ल देखते मुझे हंसी आती है, इनको कॉमेडियन लग रहा हूँ मैं, ये शरद के कैरेक्टर से बाहर ही नहीं आई इनको, शरद वो गौरव में शरद ही दिखता है कि हाँ भैया ये मेरा देवर था, ये हंसी मजाक करता था सेट पर भी और लाइफ में भी हंसी मजाक ही हो रहा है। लेकिन वो तो बता दो यार, एक सेट पे वो डांस वाला वो क्या करते थे, क्या घूम के वो कुछ, अच्छा वो जो सब, अरे जब मेरा और साहिल का कुछ भी डांस परफॉर्मेंस होता था और वो नहीं कर पाता था, तो ये मुझे पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहा है। इधर आ, मैं बताता हूँ। बस ये, ये कॉन्स्पिरेसी थी मेरी। अच्छा। कि ये उस वक्त मैंने ऐसा बताया नहीं, कि ये मेरे पीछे का एक वो दिमाग में चल रहा था कि उसको साइड करके अपन सीधे एंट्री ले लेंगे। लेकिन यहाँ जब हम सुहानी के सेट पे आते थे तो हमें कुछ ऐसे लगता है ना, अच्छा हाँ फ्रेंड होंगे यार, ओके। लेकिन जब पता चला आए है ये तो भाभी देव, तो ये कुछ हो नहीं, खबर तो ऐसी आनी चाहिए कि लोगों को लगे कि ये कैसे हो गया, अरे मुझे ही ऐसे लगा कि ये क्या बोल रहा है वहाँ। अभी किसी को पता था इतना बड़ा लॉकडाउन हो जाएगा, शॉकिंग हुआ ना, तो ये भी ऐसे ही होना चाहिए था, शॉकिंग, अरे ये क्या, और टीवी वाले रिएक्शन सबके आने चाहिए थे इसलिए। क्या क्या, लेकिन 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 पहला, सबसे पहला को किसने किसको प्रपोज किया फर्स्ट? मैंने किया था। अच्छा, याद ही नहीं है किसने किसको क्या किया था। अरे इसने मुझे एक दिन फोन करके बोला, ऐसे कुछ बातचीत चल रही थी, फिर कहता है शादी कर ले, तो मैं पागल हो गया, लॉकडाउन दिमाग खराब हो गया। मुझे तभी भी सीरियस नहीं लगा, मैंने फिर भी घर पे बात करके रखी, बट मैंने उस तरह से बात नहीं की थी। फिर जब मैं वापस मुंबई आई तो इसने मुझसे मिलके बोला कि शादी कर ले, मतलब मुझे लगा क्या हो गया था ना, ये लॉकडाउन पड़ गया, ये बोर हो गया, किसी से बातचीत हो नहीं पाई, ना साला कोई गर्लफ्रेंड मिल रही, ना शादी के लिए कोई रिश्ता आ रहा, तो मैंने कहा क्या किया जाए, किसको फंसाया जाए। तो सबसे पहले जहन में इसका नाम आया, मैंने कहा यार एक दोस्त ही होते हैं जो आपके अच्छे और बुरे में हमेशा आपका साथ देते हैं, तो मैंने चलो बुरे में साथ दिया है तो अच्छे में अब ये भी देते, अब देखेंगे कि क्या। नहीं नहीं, लेकिन सीरियसली लॉकडाउन में मैंने इसको फ़ोन किया और इसके लिए वाकई सरप्राइजिंग था, मेरे लिए भी था पूछते वक्त। मैंने कहा यार हमारी दोस्ती है तो हम क्या इसको एक छोटा सा नाम दे के इस दोस्ती को आगे बढ़ाएं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे पापा बहुत खुश हो गए क्योंकि वो इसको बहुत पसंद करते हैं शुरू से ही, तो जब मैंने उनको उनसे पूछा तो उनकी तो पहले बार में उन्होंने हाँ बोल दिया, तो उनको इतना खुश देख के फिर मुझे लगा अच्छा मुझे भी खुश हो। अच्छा, इन्होंने ये नहीं कहा कि पापा खुश हैं आप पापा से ही ब्याह कर लो। नहीं ऐसी बात नहीं थी, पर मुझे बाद में ऐसा लगा कि ठीक है अगर आपका दोस्त ही लाइफ टाइम के लिए मिल रहा है तो इससे अच्छा और बेहतर टिकाऊ क्या हो सकता है। बेस्ट थिंग पता क्या भाई, कि क्राइम पार्टनर बोलते हैं जो दोस्त करते हैं, पार्टनर प्रॉपर मिल चुके हैं घर के अंदर भी, मिल चुके ऐसे ही, मतलब ऐसा माहौल, और यही शायद एक सोच थी कि वैसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली या वैसी कोई बात नहीं आई कि एक पति है एक पत्नी है, अच्छा तुम्हारा ये दायरा मेरा ये दायरा, नहीं भैया हम दोस्त हैं बस, एक सोसाइटी के उससे। जिन्होंने भी ये सुना जब फर्स्ट टाइम हमने उनसे चीज़ें शेयर करी,
मुझे ऐसा लगा मुझसे ज्यादा खुश तो वही थे। खुश के बाद में सबका यही रिएक्शन था कि भाई हम तो तुमको अच्छा कब से बोलने वाले थे यही चीज कि तुम जब इतने अच्छे दोस्त हो तो भाई क्यों ना लाइफ पार्टनर भी बन जाओ। और ये हमारे सेट की भी वापस से अपने शो की पुराने की टीआरपी बढ़ाने के लिए बात कर रहा हूँ ताकि दोबारा शुरू हो हमारे शो पे। ये शायद अभी तक किसी को भी नहीं पता, अरे हाँ, हमारे तीसरा कपल है जो हमारे शो से निकला है। नाम बता देंगे कपल का कौन कौन है? बिल्कुल बताएंगे, एक का नहीं बता सकते क्योंकि उनके अभी लीगली नहीं हुई है, लेकिन है। हो जाएगी बहुत जल्द, बहुत जल्द हो जाएगी। तो एक तो हम हो गए और एक हमारे डायरेक्टर थे अमन सर, और हमारे अमन सर हमारे क्रिएटिव थी रितु, उनकी शादी। एक हमारे राइटर थे मनस्वी, और जो मेरी सौम्या जो मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी हुई थी उनकी शादी हो गई। तो तीन कपल निकले, शायद ही मेरे ख्याल है कोई ऐसा सीरियल हो जिससे तीन कपल निकले हों। मुझे ऐसा क्यों लगा कि वहाँ पर लड़कियाँ खुश हो, लेकिन जो लड़के होंगे वो तो टेंशन में जाते रहते रहेंगे कि भाई जो जिस चीज फोन करते रहेंगे आपस में ऐसा भाई क्या हुआ है। इसलिए लिया है कि बाकी जो दो कपल की थी अभी तक की कहानी बड़ी सही चल रही है, तो हमको लगा कि ठीक है यार जब दो की चल रही है तो हम भी एक रिस्क ले सकते हैं। दोनों में भी जहाँ तक मुझे पता है एक का तो कन्फर्म पता है, वो भी अरेंज ही था, उनके बीच भी कोई ऐसा लव एंगल नहीं था, दोस्ती वाला एंगल था, और बाद में उन्होंने शादी कर ली। उन्होंने भी शादी कर ली, तीनों में ही ऐसा था। यार बहुत बढ़िया सेट था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो हर एक मतलब जोड़ी बनती जा रही है। आप बस ये समझिए बाकी शादी शुदा थे इसलिए सब किसी की दूसरी शादी नहीं हुई, बच गए, वरना ये इतिहास में लिख दिया जाता सुहानी सी एक लड़की एक ऐसा शो है। लेकिन मैं तो जहाँ पे कपल बने मैंने मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए बहुत लकी शो था कि उस वो शो करने के बाद मेरी लाइफ अचानक से, क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि मेरी पर्सनल लाइफ में क्या था और क्या चीज़ें हुई सुहानी के बाद, मम्मी का वो जाना और बहुत सारी चीज़ें, पर मुझे ये नहीं पता था कि अभी मुझे सुहानी से ये खुशी भी मिलने वाली है। किसी चीज़ में सीरियस नहीं हूँ मैं, सीरियस हूँ लेकिन मैं नहीं, मैं बात ही कह रहा हूँ मैं, मतलब एक सेकंड भगवान थैंक यू सो मच, मुझे सुहानी से एक लड़की थी और मतलब मेरे को इतनी अच्छी बीवी मिली है कि मैं क्या ही बताऊं। नहीं सच्ची में मैं बहुत, तो मुझे मतलब मैंने उस दिन सुजाना मैम को भी यही मैसेज किया कि अच्छा हुआ कि आपने मुझे सुहानी करने का मौका दिया, तो वरना ये सारी चीज़ें कभी मेरी लाइफ में आती ही नहीं, तो सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें बहुत। लेकिन यार एक होता जो दोस्त होते हैं जब उनकी शादी होती है एक चीज़ सामने पर उसको क्या खाना पकाना आता क्या नहीं आता ये क्लियर पता चल जाता, तो गौरव कुछ टेंशन है? टेंशन तो बहुत है, मुझे खाना बनाना नहीं आता इनका चीज़ एक्चुअली हर चीज़ में हार्ट टाइट ही है आप बात कर ये एक तो क्या होता है कि ऐसा लगता है कि आधे से ज़्यादा बीमारियां तो इनके साथ हैं, अब वो मुझे पक्का पता है बहाने, मैं कहूँगा कि सुनो कभी ये काम करो क्या बना के खिलाओ, बोले यार तुम्हें पता है यार मैं थोड़ा डर घबरा जाती हूँ और मेरे को सांस फूलने लगती है, तो अभी तक तो मैं ही कन्फ्यूज हूँ कि इन्हें बनाना आता है नहीं आता है बाहर, उसके बाद भैया बाहर से खाना मंगवाना पड़ेगा कि हमारी धर्मपत्नी जी खुद ही बनाएंगी। मुझे खाना बनाना आता है पर मुझे अच्छा खाना बनाना नहीं आता है, तो वो अब तुम्हें भैया तो मैंने इसके लिए दूसरा काम कर लिया, देखो नहीं मैंने क्लासेस ले ली एक महीने की और मैंने खाना बनाना सीख लिया है। लॉकडाउन कुछ हुआ ना लेकिन सब घर सब शेफ बन चुके हैं, सब शेफ बन चुके हैं, क्योंकि वैसे तो बेचारे पति बाहर जाते थे तो पत्नियाँ बोल नहीं पाती थी, अब पति भी घर में ही पत्नी भी घर में ही, बोले अब तुम्हें समझ में आ रहा है कैसा होता था, जाओ किचन में अब तुम खाना बनाओ मैं खाऊंगी तुम्हारे हाथ का, तो आदत पड़ गई है हमने पहले ही डाल ली। बढ़िया। जो हमारे जो दर्शक हैं जो आपकी शादी में शायद से क्योंकि कोविड की वजह से ना पाए, लेकिन कहाँ पर शादी होने वाली कुछ थोड़ा सा बता सकते हैं आप हमें, मुंबई या होम टाउन में कहाँ पर? बिल्कुल मध्य प्रदेश का एक शहर है जिसे सिंधिया जी की नगरी कहा जाता है, ग्वालियर उसका नाम है जो मेरा होम टाउन है, तो शादी हम वहीं से कर रहे हैं ताकि दोनों परिवारों के लोग और हमारे जितने भी रिलेटिव हैं सब वहां पर आ पाएं, क्योंकि अभी और किसी को बुला नहीं सकते इसलिए सिर्फ घर के ही लोग घर के ही लोग हैं शायद मेरा ख्याल है 150-200 लोग होंगे मैक्सिमम। तो जाते हैं जो हमारे दर्शक हैं उनके सामने एक छोटा सा डांस हो जाए या फिर एक रोमांटिक जो पल जो कहते हैं ना हर एक लड़की के लिए होता है कि उसका होने वाला पति प्रपोज करे, मुश्किल काम पहले आप कर दो मुझे प्रपोज, मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ सपोज, अरे सॉरी थोड़ा सा वो हो गया, आप समझिए मैं यहाँ खड़ा माइक तो ले लो आवाज आएगी ना, ऐसे लड़का खड़ा हुआ है मैं नहीं कर पाऊंगी, अरे
अरे कोई छोटा दो लाइन क्या बोल दीजिए। नहीं मैं रूढ़ा नहीं हूँ, मतलब मैं नॉर्मल खड़ा हूँ। नहीं मुझे नहीं, मैं नहीं कर पाऊँ, मेरे लिए मैं तो आऊँगा सीधे बोलो, कितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। आप गले लग जा भैया, हमारे बीच दोस्ती थी, दोस्ती है, मुझे लगता नहीं है रोमांस कभी ऐसा हो पाएगा। थैंक यू सो मच, हमसे बात कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच राजेश। कैमरामैन नितिन के साथ विशाल शर्मा, मुंबई आज तक।